हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, अक्टूबर के महीने मतलब कि 10th अक्टूबर को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था तमिल लैंग्वेज की मूवी बेटी, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, फहद फासिल, राणा दग्गुबाती के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ इस मूवी को अब तक थिएटर्स में रिलीज हुए 12 डेज के आसपास कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 12 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। चूंकि करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे बेटियन मूवी का टोटल बजट जो कि लगभग 300 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी का रिलीज होने के फर्स्ट डे को पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 6000 के आसपास के ही स्क्रीन प्लेस किया गया। चाहे इस मूवी को लेकर शुरुआत से मार्केट में थोड़ा हाइप कम होने के वजह से इस मूवी का जो एडवांस टिकट बुकिंग था वो हमें कम देखने को मिला, और ये मूवी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग 63 करोड़ 80 लाख के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। चूंकि थोड़ा कम कलेक्शन तो था ही, जिसके ऊपर से इस मूवी ने हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कम कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था, चूंकि लगभग 60 लाख के आसपास का ही था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का रिव्यू अच्छा निकलने के बाद भी इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हमें खास बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला। जहाँ पे बेटियन मूवी अपनी रिलीज होने के लगभग 11 डेज के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन के मामले में 264 करोड़ 90 लाख के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 12 को लगभग 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें कि इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया से अपने डे 12 को लगभग 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया है। जिस कलेक्शन को अगर इस मूवी के 11 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो हमें बेटियन मूवी के 12 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है लगभग 236 करोड़ 90 लाख से लेकर 237 करोड़ 90 लाख के आसपास का चला जाता है, जिसमें कि इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया से अब तक 135 करोड़ 70 लाख से लेकर 136 करोड़ 20 लाख के आसपास का नेट कलेक्शन किया है। जहाँ पे इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में अब तक 4 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया है हमारे इंडिया से। इसी के साथ मूवी ने केरला से भी लगभग 15 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है और तमिलनाडु से इस मूवी ने अब तक 93 करोड़ 90 लाख के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया। तो उस कलेक्शन के सामने इस मूवी का टोटल बजट जो कि लगभग 300 करोड़ के आसपास का था, और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे हिट का टैग लेना था तो उसे 320 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना पड़ता। जहाँ पे मूवी वैसे तो एक अच्छी मूवी निकल के आई थी, पर कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में इस मूवी का कलेक्शन हमें काफी कम देखने को मिला, तो उसी के चलते इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें इतना कम देखने को मिला है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर बेटियन मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी के लिए क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।